Let me finish. Last जी, सोनल मानसिंह, agenda, सोनल मानसिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवॉल्व करेंगे जी, शी इज ऑल्सो वेटिंग सर, वो भी वेट कर रही है काफी देर से। सोनल जी वो कह रहे हैं कि एजेंडा क्लियर है और एजेंडा है कि बाकी इंडिया खिलाफ खड़ा है जब मोदी के, तो वो एजेंडा क्लियर है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस एजेंडे के तहत मोदी को हरा दिया जा सकता है? योर टेक एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सोनल जी, रिस्पॉन्ड टू डॉक्टर अजय कुमार। नहीं, मेरा तो इतना ही कहना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस पे मैंने काफ़ी काम किया है, तो उसमें जो प्रसंग आता है जानकी जी के स्वयंवर का, विवाह का, तो एक एक राजा आगे गए और धनुष उठा नहीं पाए शिव जी का, तो यह तय हुआ कि 10,000 राजा जो थे इकट्ठा होके धनुष उठाएंगे। तो किसी ने पूछा कि उठा तो लेंगे, उसके बाद क्या? तो कहा कि फिर वो लड़ेंगे और उसमें जो जीतेगा उसका विवाह जानकी जी के साथ होगा। तो मुझे ये बात अभी याद आ रही है, ये प्रसंग याद आ रहा है क्या कि अभी जो सिचुएशन मुझे और मेरे जैसे अनेक लोगों को दिख रही है वो ये है कि वन पॉइंट प्रोग्राम है INDIA का जो दिख रहा है, मोदी हटाओ, और मोदी का एक पॉइंट प्रोग्राम है भारत को बढ़ाओ। तो ये इन दोनों में बहुत अंतर है, द स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ व्यू इज ह्यूज। यहाँ पर देश की बात हो रही है, पॉजिटिविटी की बात हो रही है, योजनाओं की बात हो रही है, देश का नाम विश्व में बढ़ाने की बात हो रही है, देश के आखिरी तबके के व्यक्ति तक स्कीम्स के बेनिफिट्स पहुँचाने की बात हो रही है, काम हो रहा है, और एक तरफ हो रहा है कि मोदी हटाओ। आई डोंट नो इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है, इतने लीडर्स नामी लीडर्स हैं सारे, मैच्योर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी एक्सपीरियंस का लाभ कैसे मिले देश को, उसकी जगह ये जो नेगेटिविटी की बात हो रही है उससे दुख होता है। मेरे जैसे लोगों को बहुत दुख होता है कि सब मिलजुल के देश की बात करें, देश के व्यक्तित्व की बात करें, देश के चरित्र की, देश की अस्मिता की बात करें तो कितना बढ़िया होता। जी जी जी। लेकिन इस तरीके का जो है एक व्यक्ति को हटाओ हटाओ हटाओ, ये मंत्र जो बन गया है वो बहुत ही क्या कहें, घिनौना है, बहुत ही दुख होता है जी। अनुराग बुदौरिया, ये एक घिनौना मंत्र है, यही एक घिनौना विचार है जिसमें एक व्यक्ति को हटाने की बात कर रहे हैं ये सोनल मानसिंह कह रही हैं। और अखिलेश जी, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव हार गए, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, बकौल आपकी पार्टी। देखिए सोनल जी को, हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है भाई, उत्तर प्रदेश के मजबूत नेता हैं, वो भी एक चेहरा है। अब मेरी बात सुन लीजिए, सोनल जी जो कह रही हैं, शायद वो जो कह रही हैं वो कह नहीं पा रही हैं। दरअसल में इंडिया गठबंधन क्यों बना, इंडिया जो है ये इंडिया मतलब होता है कि हम देश के मूल जो आत्मा उसको बचाने के लिए बने हैं, देश की सभ्यता और संस्कृति बचाने के लिए बने हैं, देश में लोकतंत्र और मजबूत हो इसलिए बने हैं, कैसे हमें लोगों का अधिकार मिले, कैसे यहाँ पे आम आदमी की चर्चा हो पाए, आम आदमी की बात हो पाए, यहाँ महंगाई बेरोजगारी किसान महिला समस्या पे चर्चा हो पाए, ऐसा ना हो कि मणिपुर में महिलाओं पे अत्याचार होता रहे और सारे कोई कुछ बोले नहीं, ऐसा ना हो कि यहाँ पे किसी कठवा की बेटी के साथ अन्याय हो, या जिस तरह से यहाँ पे हमारी पहलवान महिलाएं धरना देती रही जो देश के लिए पदक जीत के लाए, उनके ऊपर में कोई बोलने वाला ना हो, ऐसा ना हो कि हथरस की बेटी के साथ अन्याय हो कोई बोले नहीं, इसलिए इंडिया एक बन के आया है, क्योंकि इंडिया का मतलब होता है कि हम कितने नेता हैं, क्या होता है इंडिया का मतलब, देश होता है इंडिया का मतलब, इंडिया का मतलब देश होता है, इंडिया का मतलब भारत होता है, इंडिया का मतलब आप, इंडिया का मतलब हम नेता समझाएंगे देश को। अब आपने बोला कि हम देश को बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मोदी कह रहे हैं, अनुराग सुनिए ऑडियो डाउन करिए इनका, अनुराग सवाल सुनिए, मोदी कह रहे हैं कि आप परिवार बचाने के लिए आ रहे हैं, कोई यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई गांधी परिवार को बचाना चाहता है, कोई लालू यादव परिवार को बचाना चाहता है, कोई ठाकरे परिवार को बचाना चाहता है, सबको परिवारों को बचाना है, ये बीजेपी और मोदी कह रहे हैं, जवाब इस बात का हटाओ है विपक्ष को। अरे ठीक है, देखिए सवाल ये नहीं है, आपको मुझे बोलने नहीं देना है तो आप बोल दीजिए कि भाई विपक्ष को मैं बोलने नहीं दूंगा, अब मैं 30 सेकंड नहीं बोलता हूँ, आप टोक करते मुझे एक मिनट आप बोले हैं, सवाल का जवाब दीजिए, बाकी मर्जी आपकी। और लोग बोले बीजेपी के, वो जो कौन बोला बीजेपी का, बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर, कौन बोला बीजेपी का, बीजेपी का तो प्रवक्ता ही नहीं है यहाँ पर, झूठ भी बोलते हैं आप, झूठ भी बोलते हैं आप,
अब तो चलिए जिसने बीजेपी कमर बकता, शो मी दैट। कोई बात नहीं, मेरे सामने टीवी नहीं है, चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, टीवी नहीं है तो आपके सामने दीजिए तो काम तो है आपको आवाज क्या आ रही है? बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला, नाम लो आप, नाम लीजिए बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला, चलिए नहीं है बीजेपी का कौन सा प्रवक्ता बोला नाम, इसलिए अनर्गल और झूठी बातें ना बोले कृपया करके, मेरा निवेदन है आपसे। अच्छा बोलिए, नहीं है मेक योर पॉइंट, आप अपने परिवारों को बचाने के लिए आ रहे हैं, मोदी ये कहते हैं बीजेपी ये कहती है, जवाब देखिए सब। हाँ बिल्कुल, अब सुन लीजिए, बिल्कुल मैं देश के हर व्यक्ति के परिवार को बचाने के लिए आ रहा हूं, हर बेटी को बचाने के लिए आ रहा हूं, और परिवार होना गुनाह नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि देश के अंदर में परिवार होना गुनाह है तो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हो सकती है, उनकी गलती हो सकती है, उनकी ऐसी मानसिकता हो सकती है। देश में परिवार होना तो घमंड की बात होती है। हमारा आपका ही परिवार है, आपका भी अमीश देवगंजी परिवार है, हमारा ही परिवार है, और सभी यहां परिवार से आते हैं, परिवार होना कौन सा गुनाह हो गया? लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि असली मुद्दों पे बात नहीं करना पाती तो परिवारवाद की बात करती है। जब इनसे परिवारवाद के बारे में पूछा जाता है तो आप चौटाला जी की सरकार क्यों बनाते हैं, क्यों आप पीडीपी के साथ आप सरकार बनाते हैं, क्यों आपने एनसीपी के साथ सरकार बनाई है, क्यों आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई है, ये भी तो परिवारवाद से आती है। क्यों आपने अनुराग ठाकुर को मंत्री बनाया जिनके बेटे चीफ मिनिस्टर थे, क्यों आपने बनाया बताइए आप, क्यों आपने सोनल मानसिंह और टू रिप्लाई, पिताजी भी सोनल मानसिंह का जवाब है। इस तरह की बात अनुराग यू मेड यू पॉइंट, अनुराग जी यू मेड यू पॉइंट, अनुराग जी यू मेड यू पॉइंट, ओके यू मेड यू पॉइंट। सोनल मानसिंह वो कह रहे परिवार परिवारवाद में दिक्कत क्या है, सबके परिवार है। सोनल जी जी, परिवारवाद में दिक्कत एक ही है कि मैं मेरे बाद मेरा बेटा या मेरी बेटी, उसके बाद उनका बेटा उसकी बेटी, ये चलता जाए तो इसमें डेमोक्रेसी कहां रही? डेमोक्रेसी में तो सभी को अधिकार है, सभी लड़ सकते हैं, वो तो दिखता नहीं है, वो तो दिखा नहीं। जैसे मैं हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट है मेरे, तो मैं तो किसी को अपॉइंट नहीं कर रही हूँ। तो नहीं देखिए, ये सब आप लोग तो चर्चा विचारना खूब कर सकते हैं, खूब बोल सकते हैं। मैं तो एक संस्कृति के क्षेत्र से आती हूँ तो मेरे में वो चिल्लाने की और ये करने की आदत नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के इतना ही कहूंगी, संस्कृति बचाने के लिए समाज तो देख रहा है, देश देख रहा है, परिवारवाद कूट कूट के भरा हुआ है और उससे अब लोग तंग आ चुके हैं। मैं भी बातें सुनती हूँ ना, जो कलाकार का वृंद है जिसमें आप लोग की घुसपैठ नहीं है वहाँ मेरी घुसपैठ तो है हजारों के साथ, तो मैं भी तो बातें सुनती हूँ। आपके बीच में पीडीपी के साथ सरकार तंग नहीं होते क्या? अनुराग ठाकुर को आप बनाएंगे, अभी परिवारवाद की बात हो रही है, उनको याद दिला रहा हूँ, उनको पता नहीं है ज्यादा, इसलिए उनको याद दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद पार्टी के साथ सत्ता चला रही है कई जगह, तब आप सत्ता क्यों चला रहे हैं? आपको इतनी दिक्कत है तो सत्ता क्यों चलाते हैं? आप मत सत्ता चलाइए, बोल दिया हम परिवारवाद के साथ सत्ता नहीं चलाएंगे। ओके, ओके, लेकिन सत्ता बनाना होगा तो परिवारवाद श्रीवास्तव, तब सिंधिया फैमिली श्रीवास्तव, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता इस पे जवाब देने के लिए। वो कह रहे हैं परिवारवाद, नहीं हम मध्य प्रदेश में सत्ता। ओके मलूक नागर कुछ कहना चाहते हैं, एक सेकंड मलूक नागर जवाब देना चाहते हैं, मलूक नागर 30 सेकंड्स। मलूक नागर देखिए देखिए, परिवारवाद की जब बात आती है तो मेरे जो सुनने में आया, भाजपा ने भी 100 के करीब लोग देश में चिन्हित करें जो पहले बन गए हैं आगे के लिए, आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए। अगर किसी घर में एक एमपी है तो उसमें से एमएलए नहीं, एमएलए है तो एमपी नहीं, मिनिस्टर है तो दूसरे को टिकट नहीं, अगर कोई चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है तो उसके परिवार वाले को दूसरे को टिकट नहीं। तो जहां तक बात है परिवारवाद की, और एक घर में एक ही हो तो ज्यादा घरों में लोग बनेंगे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर पता नहीं परिवारवाद की बात आते ही कांग्रेस को दिक्कत हो जाती है, उन्हें लगता है सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और